सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नए वीडियो का साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे आप पेटीएम वॉलेट से किस तरह से अपना मोबाइल रिचार्ज जो है मोबाइल लेजेंड का जो गेम होता है वहाँ पर आप डायमंड रिचार्ज कर सकते हो। अगर आपको पेटीएम का अपना वॉलेट पर अगर बैलेंस है तो आपको किस तरह से रिचार्ज करना है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको पेटीएम पर अपना वॉलेट पर जो है बैलेंस होना चाहिए। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पेटीएम वॉलेट पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पेटीएम बैलेंस जो है 150 रुपीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर पैसा जो है ऐड किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अभी चलते हैं, मेरा पैसा अभी पेटीएम पर है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपना मोबाइल लेजेंड गेम जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो है अपना गेम ओपन यहाँ पर हो गया है। अभी आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो है यहाँ पर अपना जो डायमंड खरीदने का यहाँ पर होता है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी 50 डायमंड का, मैं यहाँ पर आपको 50 पर क्लिक करना है जो भी आप खरीदना चाहते हो जितना भी। तो मैं 50 पर अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये अभी लोडिंग हो रहा है। तो आपको पेटीएम से किस तरह से ख़रीदना है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा बैलेंस जो है बहुत कम शो हो रहा है, अपडेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर पेटीएम वॉलेट पर टिक करके जो है इसको बाय करता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर अपना पेटीएम जो है वॉलेट सेलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पर बता रहा है कि भाई 95 रुपीज़। ओके, कंटिन्यू पर क्लिक करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। ये जो है आपका कोडा शॉप का है। ठीक है, आप कोडा शॉप देख सकते हो यहाँ पर। तो कोडा शॉप जो है ये एक वेबसाइट भी है, आप इस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना जो मोबाइल लेजेंड का जो डायमंड रिचार्ज है वो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है बता रहा है कि भाई सेलेक्ट पे ओके 95 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आपका जो भी पेटीएम का मोबाइल नंबर है, आपने जो मोबाइल नंबर से अपना पेटीएम खोला है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है और उसका बाद जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे एक OTP आया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर डाला और प्रोसीड पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे जो है 1 टाइम पासपोर्ट का जो है यहाँ पर मांग रहा है। तो वही मुझे 1 टाइम पासपोर्ट मुझे मैसेज में अभी आया है, तो वही मुझे यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर आया है मेरा, यहाँ पर ये मैसेज आया है, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग अभी चलेंगे और यहाँ पर मेरा जो है पेटीएम का ये आपका 1 टाइम पासपोर्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये आपका 1 टाइम पासपोर्ट है, तो इसी को ही आपको डाल देना है 688433। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से हम लोग मोबाइल लेजेंड पर चलते हैं और यहाँ पर मैं जाकर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरा अवेलेबल बैलेंस मैंने जो दिखाया था पेटीएम पर मेरा 150 है। तो यहाँ पर 95 रुपीज़ जो है चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो 95 रुपीज़ पर मैं अभी ये 50 डायमंड जो है मैं परचेस कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं पे पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं पे पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पेड हो चुका है कोडा शॉप पेमेंट। ओके, पेटीएम हो गया सक्सेस और यहाँ पर जो है मेरा बैलेंस जो है अभी आ जाएगा। मेरा डायमंड जो है यहाँ पर अभी 18 डायमंड है। जैसे ही मैं इस गेम को ऑफ करके फिर से अगर ऑन करूँगा तो आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी इस गेम को एक बार मैं इससे काट देता हूँ और फिर से जो है इस गेम को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं ओपन करूँगा, कभी कभी जो ये अपडेट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको गेम जो है एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ता है, तब जाकर जो है आपका डायमंड जो है वो आ जाता है। तो होता है कभी कभी ऐसा। तो ये मेरा गेम अभी लोड ले रहा है और आपका जो 18 डायमंड था, मेरा जो 18 डायमंड था वो अभी 50 डायमंड प्लस हो जाएगा उसमें। तो देखिए अभी, तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा डायमंड आ चुका है, आपने देखा या नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है 18 था तो अभी 73 डायमंड यहाँ पर हो चुका है। तो इसी तरह से जो है आप अपना पेटीएम वॉलेट से जो है इजी से बहुत ही आसान तरीके से अपना मोबाइल लेजेंड का जो है डायमंड परचेस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। और वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।